बिहार नगर निकाय चुनाव का आज मतगणना है दूसरे चरण का, और दूसरे चरण में पटना नगर निगम में 75 वार्ड का उप मेयर और मेयर का मतगणना हो रहा है। वार्ड सदस्यों की जो रिजल्ट है वो तो होने लगी है। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी जीत कर आए हैं जो अपने ही परिवार को हरा कर विजयी घोषित हुए हैं, हालांकि चुनाव में सब जायज है। और ये है वार्ड नंबर 21 श्वेता रानी, रीता रानी वार्ड श्वेता रंजन, श्वेता रंजन जी वार्ड संख्या 8 जीती है। पहले देखिए ये इन्हें प्रमाण पत्र मिल चुका है वार्ड पार्षद का। ये करारी कितने मतों से जीते हैं? 4,926 लगभग 5,000 आपके पास जी। आपके प्रतिद्वंदी कौन थे? पूर्व पार्षद पिंकी देवी। जानकारी मिली कि वो आपके जेठानी भी है जी। जेठानी भी है जी, तो जेठानी के को परास्त आप कर दिया जी। तो ऐसा देखा जाता है कि जेठानी जो है देवरानी को परास्त करती है, लेकिन आपको चुनाव में भैया समय बदल चुका है। समय बदल चुका है अच्छा, हमें समय बदल चुका है, लेकिन एक स्लोगन है ना, बुराई पर अच्छाई की जीत, ये हमेशा से था और हमेशा आगे भी रहेगा। और समझिए कि इस बार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। अब आपको जनता ने चुना है, जनता के लिए क्या सोची है? जनता के लिए मैंने बहुत सोचा, उनका विकास करना है, बस यही सोचा है, बस विकास करना है, अपने वार्ड को चमकाना है। तो आपकी जेठानी शायद नहीं की इसलिए तो जनता ना अब नहीं, उनके काम से लोग नाराज है कि नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मैंने जो संघर्ष मैंने और मेरे पति ने मिलकर किया है उससे लोगों के दिलों में हमने जगह बनाई है, और उससे लोग हमसे बहुत खुश है, और उनका भरोसा हम पे पूरी तरह से बना है। अपनी भाभी को आप हरवा दिया? राजनीति में परिवारवाद नहीं होता है, और वो भी प्रतिद्वंदी थे, हम भी संघर्ष कर रहे थे, और अच्छे अंतर से मैंने उन्हें हराया है, और आगे अब जनता का भरोसा जीतना है। क्या नाम हुआ? रोहित राजंधीर। तो ये श्वेता रंजन है जो बार्ड 21 से विजयी हुई है, और ये अपनी जेठानी को परास्त की है। ऐसे तो कहा जाता है कि जेठानी जो है देवरानी पर हावी होता है, लेकिन चुनाव में यहाँ देवरानी ही जेठानी को परास्त कर दी है। और उनके पति का भी कहना है कि चुनाव है, जनता का मत था, जनता को का विश्वास हमने जीता है, इसलिए जो इनकी जेठानी पिंकी देवी जो पूर्व में पार्षद थी वह हार गई, और श्वेता रंजन को जनता ने मौका दिया है। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़ पटना।